सम्मान यहाँ बड़ी फूलमाला से कर रहे हैं युवा मोर्चा के पदाधिकारी। और मेरा निवेदन हाटी समिति के पदाधिकारियों से कृपया जल्द से जल्द मंच पर आए। और हमारे मुख्यमंत्री समिति के पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह और शॉल लेकर सम्मानित कर रहे हैं, कृपया जोरदार तालियां। मिडिल है ना वो नहीं क्या प्राइमरी है ना, जो प्राइमरी से हाई नहीं होना वो नहीं, प्राइमरी से हाई कैसे होगा? हाँ मिडिल है ये, मिडिल है ये। अच्छा पक्का ना मिडिल है, मिडिल स्कूल है, सच बोल रहे हैं ये? इस मिडिल स्कूल को हाई स्कूल कर देंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और एक चीज और जो कही गई है, मैं बाकी और घोषणाएं जो है वो मैं सारी बैठ करके निकालूंगा रास्ता। एक बात कही गई है जो नारक का इलाका है, उस नारक के इलाके में बताया गया है कि कॉलेज के लिए काफी डिस्टेंस पड़ता है, और सारी उसकी रिपोर्ट के लिए मैंने डिप्टी कमिश्नर को कहा है कि आप उसकी रिपोर्ट बना करके दें, डिस्टेंस कितना पड़ता है, स्टूडेंट कितने हो सकते हैं, ये रिपोर्ट ठीक आनी चाहिए। और ठीक रिपोर्ट आती है तो डिग्री कॉलेज नारक भी आपको बना करके दे देंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और इसी तरह से 91 करोड़ की जो योजनाएं हैं उसका शिलान्यास और उद्घाटन यहाँ पर किया गया, उसके लिए हम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और साथ ही यहाँ पर जो हमारा औच घाट से लेकर नेहरू पुल जो रोड है उसके अंदर अभी उसको पक्का करने की एक कोशिश की गई थी, वो पक्का किया गया था, परंतु उसमें जनता को बहुत ही दिक्कत आ रही है। हमारी प्रदेश सरकार से और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से हमारी मांग है कि जल्दी ही, मुख्यमंत्री जी ने आज मन से कहा है कि जो ठेकेदार क्या लापरवाही उसमें कर रहे हैं उसको दोबारा से चौड़ा किया जाए और पक्का किया जाए, और उसमें हमारा है कि उसको NH में बदला जाए। यहाँ के जो लोगों की बात है और प्रदेश की सरकार इसको पूरा करेंगे और मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है। और साथ ही मैं बधाई देना चाहता हूँ पूरे हिमाचल वासियों को, क्योंकि हिमाचल बनने के बाद आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष हम मना रहे हैं, जिसमें हम कहाँ से शुरुआत की, आज हम हिमाचल निर्माता जो है डॉक्टर YS परमार, जो सपना उन्होंने देखा था, आज हिमाचल की जो प्रति व्यक्ति आए हैं 254 से बढ़कर 2,00,000 प्रति व्यक्ति तक पहुंच गई है। और चहुंमुखी विकास हो रहा है, चाहे हिम केयर की बात करें हम, या उज्ज्वला योजना की बात करें हम, या पेंशन की बात करें, महिलाओं को 50% आरक्षण की बात करें, कॉलेज की बात करें, काफ़ी लंबे समय से जो है आज खासतौर से इस बात के लिए सब लोगों का आग्रह था कि जो नारक में कॉलेज खोलना चाहिए, तो नारक के कॉलेज के लिए हमने आज यहाँ पर सर एक क्षेत्रवासी हुई यहाँ पे धर्मशाला के पास में बहुत बड़े स्टेडियम की मांग है, बहुत बड़े स्टेडियम की मांग है, और काफ़ी में और जगह भी है सर, बहुत सारी चीज़ पर ये जो प्रपोजल आपने रखी है तो उसको दाखिल करेंगे। थैंक यू, ठीक है जी, हृदय भाई कहाँ गया?